हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आरएसएम शॉर्ट्स तो आज हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वो जो कैलकुलेशन है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे हमने प्रीवियस सेशन uh, में डिस्कस किया था अबाउट द इक्वेशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट तो जो पहला फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर का बेस मानना है बिकॉज ये अगर आपका कैलकुलेशन सही रहा तो आपके बाकी के जितने भी कैलकुलेशन होंगे सही होंगे एंड दैट इज द रीजन आपको ये जो पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान रखना है द फर्स्ट यू हैव टू फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इन शॉर्ट कॉल्ड एस पी तो पी क्या है बेसिकली पी है प्रॉफिट वॉल्यूम का रेशियो तो वो हम कैसे ढूंढते हैं हम इसमें सिंपल चीज फॉलो करते हैं हम इसमें कंट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ रिलेशनशिप में फाइंड करते हैं एंड यूजुअली पीवीआर जो होता है वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ डिवाइड करना है और इसको परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू हंड्रेड करना है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है पीवीआर इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लेड बाय हंड्रेड तो अभी आप सभी को पता है तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्स आएगा अगर हम सिक्स को टेन से डिवाइड करके इंटू हंड्रेड कर लेंगे तो हमारा पीवीआर काफी सिंपल सिक्सटी परसेंट आ जाएगा तो ये पीवीआर का कंसेप्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू हंड्रेड ये फॉर्मूला आपको याद रखना है लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में दो इयर्स या दो पीरियड्स का इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो वेन एवर यू हैव टू ईयर्स और टू पीरियड्स इन योर क्वेश्चन एकदम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तब आपको पीवीआर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है प्रॉफिट का चेंज डिवाइडेड बाय प्रॉ चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड इसका मतलब अगर आपके पास दो ईयरस है तो आपके पास दो प्रॉफिट होंगे अगर आपके पास दो ईयर्स है तो आपके पास दो सेल्स होंगे तो दो ईयर के प्रॉफिट को आपस में माइनस करना है दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट और दो ईयर के सेल्स को आपस में माइनस करना है दैट इज कॉल्ड चेंज इन सेल्स आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी पी तो पी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इसलिए इसको ध्यान से पड़े आई होप कि आपको कंसेप्ट पता चला होगा अगले कंसेप्ट में मिलेंगे टिल देन बाय बाय टेक केयर